हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जो गवर्नमेंट जॉब निकल के आई है झारखंड सरकार की तरफ से। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा लें जिससे आने वाले इसी तरह के नोटिफिकेशन डेली आप लोगों को मिलते रहेंगे। और मेरा एक सेकंड चैनल है टेक्नो पर यू, आप लोग जरूर से जरूर उसको भी सपोर्ट करें। टेक्नो पर यू गूगल पे सर्च करें या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, आप लोग क्लिक करके उसको भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिटेल देखते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गूगल पे साहेबगंज, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो निकल के आई है साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट की तरफ से निकल के आई है, इसीलिए मैं साहेबगंज गूगल से सर्च करता हूँ। तो उसका लिंक आ जाता है मेरे सामने यहाँ पे, देखिए साहेबगंज.nic.in। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो उसका होम पेज पे चले आऊँगा। होम पेज पे जाने के बाद उसका एडवर्टाइजमेंट को हम लोग को डाउनलोड करना है। तो पहले थोड़ा इंटरनेट स्लो होने के चलते मैं अब आ गया। देखिए यहाँ पे नोटिस में चलते हैं। नोटिस में जाने के बाद रिक्वायरमेंट में क्लिक करूंगा तो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जितने भी रिक्वायरमेंट निकाल के आए हैं सारे डिटेल में यहाँ पे दिख जाएंगे। रिक्वायरमेंट का रिजल्ट हो या कुछ भी अपडेट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सब आप लोगों को यहीं पर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला अभी लेटेस्ट निकाल के आया है, इसको मैं 8 MB का है, इसको मैं व्यू करता हूँ। व्यू करूँगा तो ये डाउनलोड होकर सामने में हम लोग का आ जाएगा। यहाँ पे जैसे दिया गया है देखिए, साहिबगंज हेल्थ सोसाइटी साहेबगंज तरफ से, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी साहेबगंज तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है। पारा मेडिकल रिक्वायरमेंट नोटिस पर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे दिया गया है और ये साहेबगंज तरफ से निकल के आई है। देखते हैं हम लोग का डाउनलोड होने में कितना टाइम लगता है, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए डाउनलोड के सामने में आ गया है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे दे दिया गया है देखिए हेडिंग में ही, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी साहेबगंज रिक्वायरमेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट का नंबर भी दे दिया गया है 02/2019, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसका डिटेल में जानने के लिए पोस्ट किया क्या है सारे डिटेल में यहाँ पे एक टेबल बन के आता है, इस टेबल में मेंशन किया गया है, हम लोग देख लेते हैं। पहला सीरियल नंबर दिया गया है, फिर GNM दिया गया है, ये पोजिशन है GNM ANM लैब टेक्नीशियन और पारा फार्मासिस्ट के लिए दिया गया है, सॉरी पारा नहीं फार्मासिस्ट के लिए है। जिसमें किसमें कितना वैकेंसी है वो भी दे दिया गया है, 7 दिया गया है GNM के लिए, 79 दे दिया गया है ANM के लिए, 3 दिया गया है देखिए लैब टेक्नीशियन का और 6 दिया गया है फार्मासिस्ट के लिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या दिया है वो सभी डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक तो 12 होना चाहिए और दिया गया है, उसके बाद 12 नहीं तो फिर इंटरमीडिएट विथ 3 ईयर्स ऑफ जनरल नर्सिंग आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, वो भी अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल से कंप्लीट रहना चाहिए। उसी तरह से 79 वैकेंसी जो है ANM का, इसका भी इसी तरह से दिया गया है, ANM कंप्लीट होना चाहिए या तो फिर 12 कंप्लीट होना चाहिए। और लैब टेक्नीशियन के लिए भी आप लोगों का 12 होना चाहिए या तो फिर आप लोगों का इंटरमीडिएट एंड साथ ही साथ आप लोगों का डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में कंप्लीट होना चाहिए, 1 साल का ये एक्सपीरियंस के साथ में मांगा गया है। उसके बाद वही सबका सैलरी रेंज भी दे दिया गया है, देखिए राइट साइड में इसका सैलरी रेंज भी दिया गया है। उसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे दिया गया है मिनिमम 21, ये मिनिमम रहेगा एज 1/1/2019 के आधार से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 21 आप लोगों का मिनिमम होना हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम अलग अलग दिया गया है, जैसे जनरल के लिए 35, 35 दिया गया है, OBC के लिए 37 दिया गया है और SC/ST के लिए 40 दिया गया है। तो इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया गया है सारे डिटेल में, आप लोग देखिए आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर तक मैंने आप लोगों को बताया था, 5वां नंबर में देखिए एक्स यहाँ पे दिया गया है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रो MIS के लिए ये ऑपरेटर है, स्टोर कीपर के लिए। उसके बाद 7th नंबर में दिया गया कॉल चेयर हैंडलर के लिए, तो इसके लिए भी आप लोगों का क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, कितना वैकेंसी है वो भी मेंशन कर दिया गया है और कितने सैलरी रेंज है वो सब भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी निकल के आई है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, 8वां नंबर में भी ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए दिया गया है। उसके बाद नीचे तक कितना वैकेंसी कितना पोजिशन है मैं टोटल आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, एक एक कर पढ़ पढ़ के बताने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, मैं 2-4 आप लोगों को बता दिया, आप लोग डिटेल में देख लीजिए। टोटल पोजीशन 21 तक है देखिए दिया गया है। लास्ट वाला RNTCP लैब के लिए दिया गया है, इसमें आप लोगों का इंटरमीडिएट मांगा गया है या तो फिर 12 एंड
डिप्लोमा मांगा गया है, आप लोगों का सर्टिफिकेट कोर्स मेडिकल लेबोरेटरी में कंप्लीट होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस आप लोगों का होना चाहिए। सैलरी रेंज भी यहाँ पे दे दिया गया है, 15,894 रुपया दिया गया है। चयन आप लोगों का क्या, किस तरह से चयन की प्रक्रिया दिया गया है यहाँ पे पूरा डिटेल में दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सब के लिए आप लोगों का अप्लीकेशन शुल्क जो है 400 रुपया दिया गया है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपया दिया गया है। इसका आप लोगों को DD बना के भेजना पड़ेगा, किसमें, जिला स्वास्थ्य समिति साहिबगंज, इस एड्रेस पे आप लोगों को भेजना पड़ेगा DD बना के साथ में। तो DD मतलब ये ऑफलाइन हम लोग का हो जाता है, और ऑफलाइन में आप लोगों को फॉर्म भी मिल जाएगा, देखते हैं हम लोग नीचे चल के, नीचे में भी हम लोग का मिल जाएगा। ये आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट, दो तरह के एग्जाम होंगे। यानी कि रिटर्न टेस्ट में तो सबका कॉमन ही रहेगा, स्किल टेस्ट में आप लोगों का जो पढ़ा गया है, जो क्वालिफाइड है, उसके आधार से स्किल टेस्ट का एग्जाम होगा। उसके बाद आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है वो सबका ध्यान रखते हुए आप लोगों का इसका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। नीचे में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए एड्रेस वगैरह यहाँ पे स्पीड पोस्ट करने के लिए ये दिया गया है, कार्यालय उप विकास उपायुक्त साहेबगंज, विकास भवन साहेबगंज, पिन कोड दिया गया है 8161 09, ये दिया गया है आप लोगों का। उसके बाद आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 5/10/2019 शाम 5 बजे तक आप लोग इसको भेज सकते हैं, यानी कि तब तक पहुंच जाना चाहिए उन लोगों का ऑफिस तक, अदरवाइज आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा वो सब। उसके बाद हर पोस्ट के लिए अलग अलग से किस तरह से रहेगा सब कुछ दे दिया गया है, क्या क्या आप लोगों का क्वालिफिकेशन है वो तो आप लोग देख ही लिए, उसके आधार से ही आप लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। हर पद के लिए अलग अलग यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, देखिए सबका अलग अलग से दे दिया गया है। ये चयन शर्तें पद कोड जो दिया गया था उसके लिए यहाँ पे न्यूनतम 21 से 50 दिया गया है। उसके बाद आप लोगों का योग्यता वगैरह जो भी लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सब कुछ दिया गया है हर पोस्ट का अलग अलग से। नीचे में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि उसका एक फॉर्म मिल जाएगा जो यहाँ पे दिया गया है, ये फॉर्म आप लोगों को अच्छी तरह से प्रिंट आउट निकाल के भरना होगा, भर के आप लोगों का DD सर्टिफिकेट सब कुछ एक साथ में भेज देना पड़ेगा, जो एड्रेस मैंने आप लोगों को दिखाया साहिबगंज का। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल पे इसी तरह से बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगा और आप लोग लाभ उठा पाएंगे। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट को मिले ये वीडियो और लोग इसका लाभ उठा सकें।